रश्मि चटर्जी ने मिशन ड्रीम्स मैसेज इंडिया 2023-24 सीजन 5 कार्यक्रम के शो में भाग लिया था, जो 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार की रात इको पार्क कोलकाता में आयोजित किया गया था। इसमें 63 प्रतियोगी ने हिस्सा लिया था, जिसमें रश्मि विजेता बनी। 6 राउंड में रश्मि चटर्जी ने अच्छा प्रदर्शन किया, फिर नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में अपनी राष्ट्रीय पोशाक के माध्यम से भारत की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करी थी। शो का आयोजन डरविन थापा और श्रीमती प्रियंवदा नायक द्वारा किया गया था। रश्मि चटर्जी ने अपने गुरु फैशन कोरियोग्राफर इमरान शेख, कोच के मिस पाल साहू के मार्गदर्शन में नागपुर में वन डायरेक्ट मॉडलिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। रश्मि चटर्जी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश और शहर का नाम रोशन करने की चाहत रखती है। इस कामयाबी पर उनके परिजनों शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है और उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वहाँ पे मैं विनर रह चुकी हूँ। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि ऐसा पहले मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के साथ फिर मेरा सेमीफाइनल राउंड हुआ, सेमीफाइनल के बाद फिनाले में वहाँ पे विन हो चुकी हूँ। मुझे मतलब मैम ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब इस सभी चीज़ के लिए कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना, ग्रूमिंग कैसा करना, पब्लिक स्पीकिंग कैसा करना, साथ में ही जैसे स्टेज फोबिया रहता है तो वो सब चीज़ों में मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और यहाँ तक मैं अभी मतलब नेशनल लेवल पे आ चुकी हूँ, विनर बन चुकी हूँ और आगे भी मुझे कुछ करना है। आपको कुछ अभी आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे पहुँचे, किस आधार पर वहाँ पर। मैं सबसे पहले तो मेरा परिचय में मतलब मेरी फैमिली में मैं मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पापा हैं जो साथ में बैठे हैं। मैं एक आईटी कंपनी चलाती हूँ, आईटी कंपनी की डायरेक्टर हूँ। आरएस सॉफ्टवेयर नागपुर आईटी पार्क में मेरी कंपनी है, जहाँ पे आईटी से रिलेटेड सभी इस पे वर्क होता है और मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले मतलब इसमें कैसी आई, जैसे आपने मुझे पूछा कि मैंने कैसे शुरुआत की, तो शुरुआत से भी ऐसा कोई सोच नहीं था कि मैं इसमें एंटर हूँ, क्योंकि मैं अपने वर्क में फैमिली में ही बिजी रहती थी हमेशा। लेकिन एक बार जैसे मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी तुम बस घर का और ऑफिस में ये ध्यान देती हो, कुछ अपने लिए भी तुम कर सकती हो। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा फिटनेस ज्वाइन किया, तो फिटनेस अपने बॉडी को जैसे फिट करते करते तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आगे थोड़ा मॉडलिंग में भी ट्राई कर सकती हूँ, स्टार्ट मतलब एक स्टेप आगे ये कर सकती हूँ। तो थोड़ा उसमें एंटर करने के बाद जैसे मैंने पहले विदर्भ लेवल का शो किया, जहाँ पे मैं विनर रह चुकी हूँ मिसेस विदर्भ में। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, अभी तुम विदर्भ में तो किया है, तुम थोड़ा नेशनल लेवल के लिए ट्राई करो। तो नेशनल लेवल के लिए मैंने मुझे ये दिखा, तो मैंने उसके लिए पहले शुरुआत किया, नेशनल लेवल के लिए ट्राई किया और इस तरीके से मैं मतलब विनर रह चुकी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।